आज हम महाकाल मंदिर में ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उदयपुर के जो जीवनदायिनी के जो पानी वितरण के परिंडे वगैरह वितरण करते हैं उनसे जानकारी लेंगे, किस तरह ये सेवा कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संस्था ने 5000 परिंडे वितरण का एक टारगेट रखा है और अपने भागीरथ प्रयास से आज इनका ये अपना तीसरा चरण है, उसमें 3000 परिंडे वितरित हो चुके हैं। बहुत ही ये सेवा का कार्य है और ये टीम वर्क है और सभी मिलकर कर रहे हैं, अध्यक्ष मंत्री सभी का सहयोग है इसमें। मैं रमेश सोनार्थी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जिला शाखा उदयपुर। हमारा ये संगठन पूरे भारतवर्ष में काम करता है और बेसिकली हमारा काम कस्टमर्स के लिए काम करना है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जब से लॉकडाउन का समय गया है तो हमने पर्यावरण संबंधित काम करना भी स्टार्ट किया है। हमने पिछले वर्ष कई सारे पेड़ लगाए, उसके अलावा ट्री गार्ड्स बांटे और पिछले 2-3 साल से हम परिंडे वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार हमारा 5000 परिंडे वितरण का लक्ष्य है और ये सारे परिंडे हमारे भामाशाहों और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम रहा है इनमें बकोड़िया जी मैडम, जिन्होंने अभी मेरे से पहले आप ही की स्पॉन्सरशिप से रहा है और हमारा संगठन इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि आज जो हमारे पिछले वक्ता बोल चुके हैं कि पशु पक्षी किसको ज्ञापन दे यार, किसको बोलेंगे, बेचारे भूखे सो जाते हैं या पानी नहीं मिलता है। तो एक व्यवस्था है कि हम ये चाहते हैं कि जो भी अपने परिंदे ले जाएं, और उदय आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा कि लोग हमसे जुड़ें, परिंदे हमको परिंदों का सपोर्ट करें, नहीं तो फिजिकल सपोर्ट करें, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्यावरण को बचा पाएँ, पशु पक्षियों को बचा पाएँ, तभी जाके उदयपुर एक अच्छा उदयपुर कहलाएगा, नहीं तो फिर ये रेगिस्तान बन जाएगा क्योंकि नदियाँ सारी खत्म होती जा रही है। जय हिंद, जय भारत। अमृता बोलो, पुत्र वधु अमृता जो 12 वर्ष तक अमेरिका में रही और वहाँ रहकर भी भारतीय संस्कृति को नहीं भूली, और उसने झारखंड में एक विद्यालोक करके एनजीओ है उसके साथ जुड़कर उसमें रिमोट एरिया में जहाँ कोई शिक्षक जाना नहीं पसंद करता है वहाँ पढ़ाई के लिए इसने ऑनलाइन वहाँ से पढ़ाया, और विज्ञान विषय जो हिंदी में पढ़ाया इसने, ये बहुत ही अच्छा कार्य किया इसने वहाँ के। और अब भी अगर ग्राहक पंचायत भी यहाँ अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहे तो वो उनके साथ है हमेशा। जय राकेश पालीवाल, प्रांत संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। जैसा कि उदयपुर जिले ने जो आज कार्यक्रम किया है परिंडे वितरण महाअभियान की जो योजना शुरू हुई थी, आज तीसरा इसका चरण था, जिसमें हमारे जिला सदर अधिकारी आदरणीय सीडी चारण साहब और यहाँ महाकाल के जो ट्रस्टी जो सचिव हैं चंद्रशेखर दादी साहब और हमारे बीच जो भामाशाह के रूप में विराजमान है पूर्णिमा जी बोकड़िया जी जो जैन समाज की अध्यक्षा हैं और चतुर्भुज जी आमेटा विशेषज्ञ के रूप में रहे, इन्होंने एक प्रेरणा ली है कि पर्यावरण को कैसे बचाएं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमारा कर्तव्य क्या वो भी करेंगे, लेकिन हम इस पर्यावरण को नहीं बचाएंगे हम नहीं बच पाएंगे। ये जिंदगी का एक मनुष्य जीवन का नहीं बल्कि सभी के लिए ये लागू होता है। आज ग्राहक पंचायत ने जो काम किया है उसके लिए लोगों में एक उत्साह जगा है और जगह जगह परिंडे वितरण कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और एक हर समाज में इसको किया जाना चाहिए। मुझे ग्राहक पंचायत द्वारा यही बताना था कि आप जिस तरह के किसी मॉल में जाते हैं और एक कैरियर बैग के नाम से 20 रुपये लेते हैं, आज एक फैसला आया है, एक फोरम ने फैसला दिया है, उस पर 35,000 का जुर्माना लगाया है। आप कोई भी हो इसके लिए आपको उपभोक्ता मंच पर जाना चाहिए और अपने अधिकारों को लड़ना चाहिए, और आपने इस कार्यक्रम में जो एक अच्छी व्यवस्था दी है और मुझे आज बोलने का मौका भी दिया है आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं जया कुचरू, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की महिला संयोजक। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो है पिछले 7-8 सालों से उदयपुर में सक्रिय रूप से अपनी जो भी है भूमिका निभा रहा है, और ये जो है सभी के हितों की और ग्राहक यानी कि हम सभी ग्राहक है, सुबह से शाम तक हर पर्सन जो है ग्राहक ही होता है किसी न किसी रूप में, तो ग्राहकों को कोई हितों की बात करता है अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है या किसी की तरह की धोखाधड़ी हो रही है तो उसके लिए हम मुद्दों पर लड़ते हैं। तो उससे मैं भी जुड़ी हूँ पिछले 5 सालों से, और ये एक निस्वार्थ रूप से सेवा करता है और सभी के मुद्दे जो हैं वो यहाँ पे सराहनीय मतलब वेलकम है उनका। अगर आपको किसी भी तरह के ग्राहक संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको समस्या से निदान दिला सकें और संबंधित प्रशासन में जाकर वो बात आपकी रख सकें, और जो भी विधिपूर्वक जो कार्रवाई होती है वो करने के लिए हम बाध्य हैं और वो ज़रूर करेंगे और आपका समस्या को निदान करेंगे। धन्यवाद।